आज बीएसई की बैठक में हमने सरकार से जवाब मांगा कि पिछले अधिवेशन में जब कानून पर चर्चा चल रही थी ऐसे समय अधिवेशन को रोककर कानून को जबरदस्ती पास करने का जो षड्यंत्र उन्होंने किया था, हमने उनको कहा कि अगर आपको विपक्ष की आवश्यकता ही नहीं होगी तो आप क्यों हमको यहाँ पर बुलाते हो। उस पर अध्यक्ष जी ने ये कहा कि इस प्रकार की गलती आगे नहीं होगी और हम इसके बाद विपक्ष को पूरा बोलने का मौका देंगे। लेकिन आज पूरे तरीके से सरकार का विदर्भ विरोधी चेहरा ये सामने आया है और फिर एक बार नागपुर में अधिवेशन लेने से सरकार ने इनकार कर दिया है। जो एक करार नागपुर का हुआ था उसके तहत नागपुर में अधिवेशन लेना ये बंधनकारक है, किंतु जिस दिन इन्होंने नागपुर की घोषणा की थी तब से हम ध्यान देकर थे, नागपुर में एक भी व्यवस्था इन्होंने खड़ी नहीं की, एक पैसा भी अधिवेशन के लिए नहीं दिया और आज बताया वहाँ व्यवस्था नहीं है इसलिए हम अधिवेशन नहीं कर सकते। ये सारी झूठी बातें और सरकार के इस रवैये का हमने निषेध किया है। सरकार विदर्भ के साथ अन्याय कर रही, मराठवाड़ा के साथ अन्याय कर रही है। सरकार ने वैधानिक विकास मंडल समाप्त कर दिया है और अब ये अन्याय इनका चल रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।